शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राहु, तुलसी मेरी भक्त है, उसने मेरी कथा का पाठ किया था। यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न था तो तुम्हें मेरे समीप आना चाहिए था। आप कभी किसी के प्रश्नों का उत्तर कहाँ देते हैं प्रभु? आप तो मोहिनी रूप हैं, हम असुरों को छलने के लिए अपनी रूप और वाणी बदलते रहते हैं, इसलिए हम असुरों को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी के अनुरूप अर्थ ग्रहण करता है। यदि पहले ही तुम मेरी बात मान लेते तो तुम अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलते। अधर्म तो मेरे साथ हुआ है लड्डू गोपाल, वचन देने के पश्चात भी आपने उस तुलसी की सहायता की। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय भी देवता मेरे मार्ग में नहीं आते हैं, और आपने उस साधारण सी स्त्री, उस तुलसी के लिए अपने वचन को खंडित किया। क्यों हुई उसके ऊपर देव कृपा? राहु, ये संसार कर्म प्रधान है, बिना कर्म के तुम किसी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। सूर्य और चंद्रमा ने तुम्हें अमृत का पान करने से रोका था, इसलिए राहु काल में तुम उनका ग्रहण कर सकते हो। लड्डू गोपाल, सूर्य और चंद्रमा मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करते हैं, यदि मैं उन पर ग्रहण लगा सकता हूँ तो फिर तुलसी पर क्यों नहीं? तुम्हारा प्रभाव केवल उसी मनुष्य पर हो सकता है जो अपने कर्म से विचलित हो, जिसके मन में अपने धर्म को लेकर संशय हो, जिसमें आलस्य और अविश्वास हो, जिसमें आस्था की कमी हो। केवल वही तुम्हारा ग्रास बन सकता है। किंतु तुम्हारे सभी प्रयासों के पश्चात भी तुलसी के मन में अपनी भक्ति को लेकर कोई संशय नहीं हुआ। उसकी आस्था, भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उसने कोई ऐसे कर्म नहीं किए कि तुम उसके जीवन में प्रवेश कर सको, इसलिए तुलसी की भक्ति में उसके विश्वास ने स्वयं उसकी रक्षा की। इसलिए राहु, जब तक तुलसी धर्म के मार्ग पर है, जब तक तुलसी के मन में अपनी आस्था और विश्वास के प्रति और कोई संशय नहीं होता, तुम उसका कोई अहित नहीं कर सकते। राहु, लड्डू गोपाल, आज आपने तुलसी को पराजित करने का मार्ग स्वयं ही बता दिया है। अब मुझे केवल उसके मन में भक्ति के लिए संशय पैदा करना है, उसे उसकी भक्ति और आस्था से विमुख करना है, कर्तव्य से विचलित करना है। तो उसके बाद आप स्वयं आकर अपनी भक्त तुलसी को दंड देंगे। प्रभु, राहु को रोकना होगा, अन्यथा वो तुलसी के प्राण संकट में डाल सकता है। महादेव, भक्ति जिसकी शक्ति हो, विश्वास जिसका शस्त्र हो, धन जिसके जीवन का आधार हो, अधर्म उसका कभी कोई हित नहीं कर सकता। राहु अपना कर्म करेगा और तुलसी अपना, और इसमें जीत केवल धर्म की ही होगी। अब मुझे आज्ञा दे महादेव। हे लड्डू गोपाल, आप ही की कृपा से हम देव उठावनी एकादशी की कथा पूरी कर पाए। आप हमारा ये भोग स्वीकार कीजिए, ताकि हम भक्ति के इस प्रसाद को पूरे गोरबा में बांट सके और उनके मन में आ गए अधर्म को समाप्त कर सके। कृपा कीजिए प्रभु, अपनी इस भक्त का भोग स्वीकार कीजिए। तुलसी, देव उठावनी का प्रसाद मेरे सभी भोगों से स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पावन कर्म
इसमें सम्मिलित है। ये भोग तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है तुलसी, इसलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रभु, आपने हमारा भोग स्वीकार कर लिया। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। हाथी घोड़ा पालकी, जय लड्डू गोपाल की। हे भगवान, हमसे ये कैसा पाप हो गया? किसने हमारी मति फेर दी थी? अरे हम तो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, फिर पूतना की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? कीर्तन बहन, सबसे बड़े अपराधी हम तुलसी के हैं, क्योंकि पूतना की बातों में आकर हम अपनी तुलसी के दुश्मन बन गए थे। हाँ कीर्तन बहन, क्षमा तो हम सबको तुलसी से मांगनी होगी। यदि तुलसी ने हम सबको क्षमा कर दिया, तभी होगा हमारे पापों का प्रायश्चित। जो मैंने तुलसी के साथ किया है, उसके बाद तो मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ प्रभु? मौसी, मौसी, ओ कीर्तन मौसी, मोरपंखी बालक, तुम? नहीं नहीं मोरपंखी बालक, तुम हमारे पास मत आओ। हमने पाप किया है मोरपंखी बालक, हम सब पापी हैं। मौसी, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि तुम हमारे पाप सुनोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। हमने पूतना की भक्ति की है, उसको अपनी देवी का स्थान दिया है। आप लोगों ने जो भी किया है वो सब पूतना ने आप सबसे करवाया है, मृत्यु का भय दिखाकर। पर बालक, पाप तो हमने किया है ना, और इन पापों की कोई क्षमा नहीं, हमें तुलसी कभी माफ नहीं करेगी। या तुलसी पर छोड़ दीजिए, पर तुलसी से क्षमा मांग कर तो देखिए, उसका हृदय इतना विशाल है कि वो आप सबको अवश्य क्षमा कर देगी। बालक, तुलसी का इसी बात का तो हमने फायदा उठाया, पर हम इस लायक ही नहीं है कि तुलसी से क्षमा मांग सके। भूल करना कोई पाप नहीं है, पर उस भूल को स्वीकार ना करना ये पाप है। यदि आप सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है तो चलिए हमारे साथ, तुलसी आप सबकी प्रतीक्षा करती होगी। नहीं नहीं बालक, तुलसी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। मेरे साथ चलिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। आइए मेरे साथ। आइए मौसी। माँ, अब ये प्रसाद हमें पूरे गोरबा में बांटना होगा। पर तुलसी, वो तो तुम्हारी कथा कहने के विरुद्ध थे ना। माँ, कोई क्या करता है क्या कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें अपना कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। राधे राधे तुलसी। मोरपंखी बालक, तुम? केवल मैं नहीं, हम सब आए तुमसे मिलने। तुलसी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमसे बड़े और बड़े अपने बच्चों से क्षमा नहीं मांगते। पर हमने बहुत बुरा काम किया है। हाँ तुलसी, गांव में हो रही समस्याओं के लिए हमने तुम्हें दोषी माना, जबकि दोषी हम खुद थे। अपराध हमने किया था पूतना की भक्ति करके। हम क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें क्षमा कर दो तुलसी, हम सब तुम्हारी शरण में आए। मौसी, आप लोगों ने अधर्म का मार्ग छोड़ दिया, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है? तुलसी, तो दो सभी को लड्डू गोपाल का प्रसाद, ताकि सबके मन का दुख दूर हो सके। सुमित्रा दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए। दीदी कीर्तन, तुमने गलती की है, पर तुम मेरी अपराधनी नहीं, लड्डू गोपाल की अपराधनी हो, इसलिए अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो लड्डू गोपाल से मांगो, मुझसे नहीं। हे प्रभु, इस पापिन को क्षमा कर दो प्रभु। पूतना के प्रभाव में आकर
हम तुम्हारे दुश्मन बन गए थे। आपकी भक्ति को अपना दुश्मन मान लिया था, आपकी भक्त तुलसी को अपना दुश्मन मान लिया था। प्रभु हमें डांट दीजिए, प्रभु हमें डांट दीजिए, हमें डांट दीजिए। मौसी मौसी बस कीजिए, लड्डू गोपाल ने आपको क्षमा कर दिया है, ये लीजिए प्रसाद। तुम सच कह रही हो तुलसी? हाँ मौसी, जिसके मन में पश्चाताप का भाव हो गया, समझ लीजिए उसे क्षमा मिलके। तुम बहुत अच्छी हो तुलसी, तुम्हारा हृदय तो क्षीर सागर से भी विशाल है। तुमने हमें क्षमा कर दिया, हमें ये प्रसाद दे दो ताकि हमारा पापी मन पवित्र हो जाए। ये लीजिए। अरे मोरपंखी बालक, हमने तुम्हें तो प्रसाद दिया ही नहीं। नहीं तुलसी, सबसे पहले तुमने मुझे ही तो प्रसाद दिया था। क्या, हमने तुम्हें कब प्रसाद दिया? तुम भूल रही हो तुलसी, पर लाओ, तुम्हारा प्रसाद मुझे इतना प्रिय है कि मैं इसे कभी मना कर ही नहीं सकता। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।